हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। एक बार फिर से हाजिर एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट को लेकर के। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी। पार्टी ने अब तक कुल 95 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और तीसरे लिस्ट में शोभा रानी कुशवाहा का नाम भी शामिल है। तो वह बुधवार को झुंझुनू में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई और गुरुवार को कांग्रेस द्वारा जारी इस लिस्ट में उनका नाम भी अब देखने को मिल रहा है। हालांकि ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर एक बड़ी बात भी यहाँ पर कह सकते हैं कि क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ये बड़ा दाव खेला गया है शोभा रानी को लेकर के। हालाँकि इसके बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी, ये भी यहाँ समझने वाली बात होगी। कुशवाहा का जिक्र कर लेते हैं। तो कुशवाहा 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनी गई थी। उसके बाद राजनीतिक हलकों में उन्हें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का करीबी भी माना जाता था, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग में शामिल होने के बाद उन्हें पिछले साल जून में भाजपा ने निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उनके निष्कासन के बाद कुछ इस तरह की खबर जो है वो सामने आई। राजनीतिक गलियारों में शोभा रानी जो शोभा कुशवाहा हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहीं क्योंकि वसुंधरा राजे की करीबी हैं। अब शोभा रानी कुशवाहा बसपा नेता बीएल कुशवाहा की पत्नी हैं और वो पहले धौलपुर सीट से विधायक थे, लेकिन 2012 में हत्या के एक मामले में 2016 में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें यह सीट छोड़नी पड़ी और शोभा रानी को उपचुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया, जिसमें उन्हें जीत हासिल की और 2018 में उन्हें फिर से भाजपा का टिकट मिला। राजस्थान आगामी चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर के जितनी ही तेज़ तैयारियां हैं तो उतनी ही तेज़ राजनीतिक समीकरण भी हैं और उतने ही तेज़ यहां पर आरोप प्रत्यारोप या फिर दल बदल की राजनीति भी है। जहां आपको बता दें कि होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी गई, पहले 23 नवम्बर थी और अब 25 नवम्बर की गई। त्यौहारों के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 23 नवम्बर तय की गई तारीखों में ये बदलाव भी किया गया। धन्यवाद।